कुंडलपुर महामहोत्सव के दौरान आने वाले यात्रियों के लिए भोजनशालाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। कुंडलपुर महामहोत्सव के स्थल पर करीब 7 यात्री भोजनशालाएं तैयार की गई हैं, जहां पर प्रतिदिन ही हजार लोग भोजनशाला में भोज कर रहे हैं। जहां पर महापात्रों के लिए अलग भोजनशाला है, तो इंद्र इंद्राणियों के लिए अलग भोजनशाला है, तो यही आने वाले यात्रियों के लिए भी भोजनशाला की विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। कुंडलपुर महामहोत्सव में प्रतिदिन ही अभी हजार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में आगामी दिनों में लाखों लोगों के आने की संभावनाओं के चलते भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। जय कुमार पुरा की रिपोर्ट। बड़े बाबा की जय और आचार्य श्री छोटे बाबा, ये दोनों का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो कोई काम छोटा नहीं होता। जब छोटा नहीं होता है तो भोजन व्यवस्था छोटे से हो सकती है, बहुत बड़ी भोजन व्यवस्था है। और जितना समय आप लोगों ने भेजा उसके हिसाब से इतनी सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने की है, और इतने कम समय में, सही बात है। और भोजन में भी गर्म रोटी, गर्म पानी, हर चीज गर्म आ रहा, मना मना के खिला रहे हैं। और जो भोजन का स्वादिष्ट है उसके साथ इनका जो प्यार मिक्स हो रहा है उसके अंदर में, उससे भोजन का स्वाद बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर रवि जैन, इंजीनियर, टीकमगढ़ महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के संघ से जुड़े हैं, मगर कुंडलपुर की जैसी व्यवस्था आज तक न देखी, आप आगे देखेंगे ना पीछे कभी हुआ है। ये चतुर्थ काल का कार्यक्रम है, जो ये पंचकल्याणिक है, ये अनादि निधन है, ये अनादि निधन है। आज तक ऐसा हुआ न होगा आगे चल के। ये यहाँ जो कमेटी है, इनको जो बड़े बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है, और जो है जो इन्होंने जो व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों काल में भी नहीं हो सकती। ऐसा इनको बड़े बाबा का आशीर्वाद है और आचार्य जी का आशीर्वाद है।